हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जेफरीज की नई रिपोर्ट आई है, क्या नए टारगेट है और क्यों ये नए टारगेट बीपीसीएल में दिए हैं। हमने देखे हैं कि भारत पेट्रोलियम का स्टॉक जो है पिछले दो महीनों से बहुत गिर रहा है। तो देखिए, जेफरीज की जो नई रिपोर्ट है उन्होंने नया टारगेट देखिए 540 रुपीज का दिया है। अभी स्टॉक प्राइस देखेंगे 388 रुपीज के आसपास है, तो आराम से एक अच्छा खासा वो देख पा रहे हैं कि बीपीसीएल का जो प्राइस है ऊपर जा सकता है। तो ऐसा क्यों जा सकता है, देखिए रिसेंट में अगर आप बताएं देखें तो एक अच्छा खासा स्टॉक गिरा हुआ है। अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ जो इसके पीयर हैं, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, उनके कंपेरिजन में ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये है डेटा, ये है पिछले एक साल का डेटा, ठीक है। ये डार्क ब्लू कलर में आप देखिए बीपीसीएल का रिटर्न एक साल में -3% का रिटर्न है। कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ, एक साल में लगभग 38% है। फिर इंडियन ऑयल, वो भी एक साल में 37% है। निफ्टी की अगर आप बात करें तो निफ्टी भी 31% है। एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस रहा है बीपीसीएल का। दो साल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 28% गिरा हुआ है इसका स्टॉक प्राइस। सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही सिर्फ 3% ऊपर है और बाकी इंडियन ऑयल भी जो नेगेटिव है, लेकिन निफ्टी का रिटर्न ऊपर है। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए एक दिन पुराना डेटा है इसीलिए एक साल का रिटर्न 0.63 दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट वही है, उसी लेवल पर है। आप एक साल दिसंबर इसी समय में आप देखेंगे 380-390 के आसपास स्टॉक प्राइस था और अभी भी उसी के पास स्टॉक प्राइस है। 6 महीनों का भी आप डेटा देख सकते हैं, 6 महीनों में भी अगर आप देखेंगे स्टॉक 487-90 रुपीस के आसपास था। बिल्कुल पीक में गया था जब वो 58 रुपीस का डिविडेंड मिलने वाला था सितंबर में, तो देखिए लगभग 500 रुपए के आसपास चला गया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक गिरा है और इनफैक्ट गिरकर ये 370-67 उस लेवल तक भी इसका स्टॉक प्राइस पहुंच गया था। तो इसकी वजह से जो स्टॉक गिरा हुआ है तो जो प्रीमियम जो प्राइवेटाइजेशन के लिए मिल रहा था वो घटा है। अब देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब हम वैल्यू करते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझ लीजिए कंपनी को आपने बेच दिया, उदाहरण के तौर पे हाइपोथेटिकली आपने बेच दिया, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो वो होता है प्राइस टू बुक, ठीक है। बुक वैल्यू वो कैलकुलेट होती है, ठीक है, वो जितना भी वैल्यू रहेगी उसकी बुक वैल्यू रहेगी, जो भी स्टॉक प्राइस है उसको प्राइस बुक वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है। तो जनरली तो भारत पेट्रोलियम की प्राइस टू बुक है 1.74 और फॉरवर्ड पीबी है 1.6, मतलब एक साल की जो फॉरवर्ड है जो जेफरीज जो कह रहा है। अब इसमें जब पीक वैल्यूएशन था, मतलब जब प्राइवेटाइजेशन के कारण इसको वैल्यूएशन हाई मिलने लगा, तो ये 3.5 तक भी इसका वैल्यूएशन चला गया था प्राइस टू बुक, तो अभी उस लेवल से तो बहुत नीचे आ गया है। दूसरी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने कही है कि जब प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, ये अनाउंसमेंट कब हुआ है, 2019 के एंडिंग के समय में हुआ है अनाउंसमेंट, लेकिन उससे पहले सितंबर अक्टूबर उससे पहले भी भारत पेट्रोलियम बिल्कुल जब स्टैंडअलोन जब था, जब कोई ऐसा न्यूज नहीं था प्राइवेटाइजेशन का, तो भी 2 टाइम प्राइस टू बुक में ये ट्रेड करता था। तो अभी उस लेवल से भी ये सस्ते लेवल पर है, तो बुक वैल्यू जो है इसकी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो उतने नहीं बढ़े हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस टू अर्निंग भी आप देखेंगे, ये देखिए प्राइस टू अर्निंग भी आप देखिए बहुत ही कम इसकी हो गई है, हिस्टोरिकल लेवल से भी कम हो गई है। दूसरी चीज वैल्यूएशन में तो है ही, दूसरी चीज है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाता है। तो इसका 24% है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 22%, इंडियन ऑयल का 14%, तो तीनों के कंपेरिजन में इसका आरओई भी अच्छा है। 4,450 रिटेल आउटलेट्स उन्होंने खोले हैं 2020-21 जो पेंडेमिक वाला साल था, और ये जो 6 महीने जो खत्म हुए सितंबर तक, तो 30% अपना नेटवर्क भी उन्होंने एक्सपांड किया है। वॉल्यूम ग्रोथ कम है, प्री कोविड जो भी के जो लेवल थे उससे भी कम है दोस्तों, तो ये एक चीज है। कुछ अगर रिस्क है तो क्रूड का यहां पर, ये रिस्क तो नहीं है, ये तो अच्छा ही है, क्रूड का प्राइस अगर गिर रहा है तो मार्केटिंग में मार्जिन्स बढ़ेंगे, ये इनके लिए पॉजिटिव है। डीजल की डिमांड जो है थोड़ा रिस्क है, डीजल की डिमांड 2019 के लेवल तक अभी तक आई नहीं है, तो ये एक चीज है। जैसे जैसे इकोनॉमी लाइन में आएगी, देखिए
स्कूल बसेस चलना शुरू होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चलना शुरू होगी, फुल फ्लेज में शुरू होगी, तो डीजल की भी डिमांड बढ़ेगी, तो ये एक चीज रहेगी। इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी डीजल का यूज होता है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो वैल्यूएशन वाइज भारत पेट्रोलियम, जेफरीज का कहना है कि सस्ते में मिल रहा है और उनका बिजनेस भी अच्छा कर रहा है और अच्छा करने के लिए भी तैयार है। अगर फ्यूचर में दो चीज अगर आप देख सके, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम चल रही है और जो रिन्यूएबल एनर्जी की थीम चल रही है, तो वो अपने जो बीना के जो प्लांट है वहां पर इलेक्ट्रोलाइजर जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत जरूरी है, तो वो बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकती है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और 7000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी अगले कुछ सालों में बनाने के प्लान्स हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने बात नहीं की, आप देख सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन तो नो डाउट एक बड़ा ट्रिगर है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को अलग रखकर भी अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से बीपीसीएल जो है थोड़ा सा सस्ता जरूर लग रहा है, अगर आप जेफरीज की बात माने तो। आप भी अपने व्यूज बताइए भारत पेट्रोलियम के ऊपर। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू।